तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि सबसे पहले इनका पेंशन बंद करो। बाद 2004 में सी एंड डी क्लास के कर्मचारियों का पेंशन को बंद किया गया कि अगर किसी कर्मचारी को केवल 15,000 रुपए सरकार से मिलेगा तो क्या वो आप दिल्ली शहर में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा। ये मंच, ये संगठन ये डिमांड करता है कि पूरे देश में सरकारी स्कूल का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सबको समानता मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगी, सबका इनकम बढ़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। देश चंद पूंजीपतियों के आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ सकता है। पहला जो मुद्दा हमारा है ओबीसी समाज का, दलित समाज का, और इस देश के 80-90% जो लोग हैं उनका जो मुद्दा है वो ये है कि जो आउटसोर्सिंग है, नौकरियों को आउटसोर्सिंग कर दिया, उसमें सरकारी सी और डी क्लास की जो नौकरी खास तौर पे है उसको उन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया, उसमें सरकारी नौकरी से हटा दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में, तो उस समय बामसेफ का बहुत जोर था, दलित समाज से एक बहन उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, उन्होंने पता लगाया कि भाई ये क्या कारण है कि ये संगठन, ये पार्टी इतनी मजबूत हो रही है, तो पता चला कि बामसेफ के लोग वो एक वॉलंटियर रिक्रूटिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा ये कैसे करते हैं, उन्होंने कहा ये सारे रिटायर्ड लोग हैं, इनको पेंशन मिलता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि सबसे पहले इनका पेंशन बंद करो, और 2003 के बाद 2004 में सी एंड डी क्लास के कर्मचारियों का पेंशन को बंद किया गया, और वहीं से आउटसोर्सिंग की शुरुआत हुई। वहीं से ये डिसाइड हुआ कि सी एंड डी क्लास में सरकारी नौकरी को खत्म कर दिया जाएगा, उसमें केवल और केवल जो प्राइवेट करके जो उनको सरकारी सुविधा मिल रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, यही दिल्ली में एम्स है, उस समय 2003 में लगभग 180 लोग वहां पर पीउन थे, जिसको आज आप गार्ड बोलते हैं, वो पीउन थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको सरकार की तरफ से 40,000 का सैलरी मिलता था, उनको पूरा मेडिकल की सुविधा मिलती थी। उसका नतीजा ये था कि उनके बच्चे पढ़ लिख लेते थे, वो अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे थे, डॉक्टर बना रहे थे, और सरकार के खजाने से केवल उनके सैलरी में लगभग 15 करोड़ रुपए जा रहे थे। उन लोगों ने ये शोर मचाया कि ये जो है घाटा हो रहा है सरकार को सरकारी नौकरी के कारण, इसको प्राइवेटाइज करो, आउटसोर्स करो, और उससे सरकार का फायदा होगा। मगर एक आरटीआई से ये पता लगा कि उसी एम्स में इस समय 1800 गार्ड हैं, पहले 180 थे, अब बढ़ा के उन्होंने 3 शिफ्ट में 1800 गार्ड कर दिए, और पहले 15 करोड़ में उनका काम होता था, आज सरकार के खजाने से लगभग 30 करोड़ रुपए साल उनके सैलरी में जाता है। मगर एक गार्ड को सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए मिलते हैं। आप खुद सोचें, बताएं कि अगर किसी कर्मचारी को केवल 15,000 रुपए सरकार से मिलेगा तो क्या वो आप दिल्ली शहर में अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, क्या वो दिल्ली शहर में अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सकता है, क्या वो अपने फैमिली का इलाज करा सकता है, नहीं करा सकता है। वो केवल और केवल दिन रात कैसे अपने बच्चों का पेट भरे उसके बारे में सोचेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी कि जो उन्होंने इस आउटसोर्सिंग करके हमारे दलित समाज का, हमारे ओबीसी समाज का, हमारे इतने 90% लोगों के रोजी को छीन लिया। मैं एक दूसरा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सरकारी स्कूल है देश में, हमारे इस मुद्दे में शामिल है ओबीसी में, वो क्या है कि सरकारी स्कूल का स्तर पूरे देश में अलग अलग है।
आप बिहार में जाएं, वहाँ सरकारी स्कूल का स्तर अलग है, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, एमपी में अलग है। ये मंच, ये संगठन, ये डिमांड करता है कि पूरे देश में सरकारी स्कूल का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकारी स्कूल में समान शिक्षा पूरे देश के लोगों को एक साथ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हाथ उठा के बताएं। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? जहां जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आप जाके पता कर लेना, वहां प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ओबीसी समाज के बच्चे, 90% के बच्चे, दलित समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उनकी नियत नहीं है कि इनके बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने, इसीलिए सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्या कहते हैं? सरकारों का मानना है। आप बिहार सरकार से पूछ लें, आप महाराष्ट्र सरकार से पूछ लें, आप मध्य प्रदेश की सरकार से पूछ लें, यहाँ तक कि आसाम सरकार से पूछ लें, उनका कहना है कि पढ़ाई की जिम्मेदारी अभिभावकों की है, यानी जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना। अरे मतलब ये कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो पहले पैसा कमाओ और फिर प्राइवेट स्कूल में जाके दे दो, तो तुम्हारे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। ये उनकी सोच है, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। ये मत इस बात का, चूँकि शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में अच्छे शिक्षक हों, स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल में पेरेंट्स की भागीदारी हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आज ही प्राइम मिनिस्टर ने, आज पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश आगे बढ़ेगा। अरे देश आगे जब बढ़ेगा, जब हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई को इक्वलिटी का राइट मिलेगा, सबको समानता मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगी, सबका इनकम बढ़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। देश चंद पूंजीपतियों के आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ सकता है।